हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कटहल की सब्जी की रेसिपी, भुने कटहल की सब्जी। तो ये हमारा कटहल हमने कढ़ाई में डाल दिया और इसको हम अब भुनेंगे। और इसमें हम चार प्याज और चार टमाटर काट लेंगे, या आप पीस भी सकते हो जैसे आपकी मर्जी। तो मैं चार प्याज लूँगी और टमाटर मैंने पीस के रख लिए हैं। और ये मेरा कटहल है, ये प्याज, सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रख ली है। और ये टमाटर हैं जो पीस के रख रखे हैं, और प्याज को मैं नहीं पीसूंगी, उनको मैं ऐसे ही डालूंगी। तो अभी हम इसमें डाल लेंगे 2 से 3 चम्मच तेल, और उसमें फिर हम उस कटहल को भूनेंगे। तो ज़्यादा तेल नहीं, क्योंकि कटहल भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो हमने इसमें 2-3 चम्मच तेल डाला है। और अब हम उसमें इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। 15 से 20 मिनट तक भुनेगा ये अच्छी तरीके से, मीडियम गैस पे। तो अभी हम इसको भून लेते हैं। और सूखी सब्जी बनाएंगे हम कटहल की, और ये अब हम इसमें निकाल लेंगे इसको। और अभी हम इसमें डाल देंगे जो हमने काट के प्याज रख रखी थी वो, और जो तेल बचा है हमारे वो काफ़ी है, हम इसमें और तेल ऐड नहीं करेंगे। तो अभी पहले हम लहसुन डाल देंगे, उनको भूनेंगे, और उसके बाद हम डालेंगे कटी हुई प्याज। और जब ये हमारे ब्राउन कलर के हो जाए लहसुन, तो हम इसमें प्याज डाल देंगे काटी हुई, और फिर हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। ज़्यादा नहीं भूनेंगे हम इनको, हल्का ही इनका कच्चापन निकाल देंगे, और हल्की ब्राउन होने तक बस हम इनको भूनेंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये पिसे हुए टमाटर, 2 चम्मचे बहुत हैं, क्योंकि 2 चम्मचे हम इसमें डालेंगे तो ये समझ लो 3 से 4 टमाटर हो जाएंगे ये, क्योंकि मैंने तो ज़्यादा पीस के रख रखे हैं। तो ये हमारे 4 टमाटरों का पेस्ट है ये, और 4 ही हमने इसमें प्याज डाली हैं। और इससे हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। और जो इस टमाटर हम मसाले को थोड़ी देर भून के हम इसमें सारे ये सूखे मसाले ऐड करेंगे जो अपने डेली यूज़ के हैं, जैसे धनिया, मिर्ची पाउडर, हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार। हम ये सारे मसाले इसमें ऐड कर लेंगे, और जैसे गरम मसाला, सारी चीज़ें डाल के हम इसको फिर भूनेंगे इसको हम 3 से 4 मिनट तक। तो मसाला हमारा भून के तैयार हो गया है। अभी हम इसमें डाल देंगे जो हमारा भुना हुआ कटहल था, हम वो डाल देंगे इसमें, और हम इसको फिर मसाले में मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरीके से। हम इसको मसाले में मिला लेंगे, 2 से 3 मिनट तक इसको भूनेंगे हम। और उसके बाद जब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, तो हम इसमें डालेंगे, सबसे बाद में हम इसमें नमक ऐड करेंगे। जब अच्छी तरीके से ये भुन जाए, तो हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। अभी तक हमने इसमें नमक ऐड नहीं करा था। और हम इसको फिर से एक बार चला देंगे, इसे मिक्स कर देंगे। और हम इसमें अभी आधा कप पानी डालेंगे, आधा गिलास ही, और हम इसको ढक देंगे, और 3 से 4 मिनट तक हम इसको पकाएंगे कटहल को, ताकि इसमें अगर थोड़ा बहुत भी कच्चापन रहे तो ये अच्छी तरीके से इसमें बन जाए, भुन जाए और अच्छी तरीके से गल जाए कटहल। और हम इसको ढक के 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पे। ये देखिए, ये हमारा 3 से 4 मिनट हो गए हैं, और ये हमारा सारा पानी सूख गया है जो हमने इसमें डाला था। और ये हमारी कटहल की सब्जी तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी देखने में कितनी अच्छी लग रही है, स्वादिष्ट, ये बहुत ही हेल्दी होती है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहना।